नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। रामनवमी के मौके पर पटना के स्टेशन रोड स्थित महावीर मंदिर में भक्तों की भीड़ दिन भर रही। भक्तों की कतार करीब 2 से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा रही। ऐसे में उन्हें प्यास लगना लाजमी था, जिनकी सेवा में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने पानी और शरबत पिलाकर की। इस मौके पर पानी और शरबत पिला रहे जेडीयू के युवा मोहम्मद शकील ने देश में कौमी एकता पर बड़ा संदेश दिया। मस्जिद प्रबंधन की तरफ से काफ़ी सहयोग रहता है इस रामनवमी। मस्जिद की तरफ से तो वो हर साल जो आप देखते हैं उनको आए हैं कि शरबत का इंतज़ाम, पानी का, मस्जिद का इंतज़ाम, जितना पानी लेना हो मस्जिद की तरफ से उतना पानी आप लें, और भी साथ ही सब जो सहयोगी भी रहते हैं श्रद्धालु के लिए। और कौमी एकता को जिंदा रखते हुए, भाईचारगी को दिखाते हुए भारत को शक्तिशाली बनावे। हम शक्तिशाली बनेंगे तो हमारा समाज शक्तिशाली बनेगा, और हमारा जब समाज शक्तिशाली बनेगा तो हमारा देश बनेगा, और विश्व पटल पे देश का जो है सर्वनाम बनी रहे। भक्तों की सेवा करने में महिलाएं भी आगे रहीं। महिलाओं ने भी स्टॉल लगाकर पानी और शरबत पिलाते दिखाई देती नजर आईं। बता दें कि महावीर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए पंडाल बनाने से लेकर दूसरे कामों को न्यू मार्केट व्यवसाय संघ करता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हर साल शामिल रहते हैं। जहां एक तरफ धार्मिक उन्मादता फैलाने वाले भाईचारे के संबंधों पर कुठारघात करने की कोशिश करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ भाईचारे की ऐसी मिसाल हमें राहत भरी सुकून देती है कि देश में जब तक भाईचारे की ऐसी उमंग है तब तक देश की अखंडता सुरक्षित है। लाइव सिटीज के लिए देवांशु प्रभात की रिपोर्ट।